अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 8 आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं या चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, उन सब के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, विजिट कर लीजिएगा। या प्लेलिस्ट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, हैशटैग मैथमेटिक्स पे भी जाके चेक कर सकते हैं आप, जो हर वीडियो के टाइटल के ऊपर ब्लू कलर में आपको नजर आएगा हैशटैग मैथमेटिक विद अस। उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगी, मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं। तो फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको 9th का पूरा कोर्स करवा रहा हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद 10th की तरफ मूव करूँगा। इसी तरह जो पास्ट पेपर्स हैं उनको भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि उनको भी अपलोड करूँ जल्द अज़ जल्द। तो बढ़ते हैं आज ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि इस तरह से है, इफ़ यू माइनस वी इज इक्वल टू 3 देन प्रूव डैट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 9 यू वी इज इक्वल टू 27। ये क्वेश्चन है, यू माइनस वी की वैल्यू गिवन है और प्रूव ये करना है यू क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 9 यू वी इज इक्वल टू 27, ये प्रूव करना है। मीन कि ये क्वेश्चन है और ये उसका प्रूफ है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में यू माइनस वी इज इक्वल टू 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इस पे क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इस पे क्यूब लेते हैं जी, दिस इम्प्लाइज डैट u माइनस वी का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। दिस इम्प्लाइज डैट, फार्मूला ओपन करते हैं यहाँ पे, a माइनस बी होल क्यूब जो कि इक्वल होता है u क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 3 यू वी इंटू यू माइनस वी इज इक्वल टू 3 का क्यूब लें, 3 3 9 9 3 27। अब यहाँ पे इस तरह करते हैं कि यू क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 3 यू वी इंटू यू माइनस वी की वैल्यू 3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यू माइनस वी की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 27। दिस इम्प्लाइज डैट यू क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 3 3 9 यू वी इज इक्वल टू 27। तो यही हमने प्रूव करना था। ये देखें क्वेश्चन में यू क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 9 यू वी इज इक्वल टू 27, तो यहाँ पे भी हमारे पास यू क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 9 यू वी इज इक्वल टू 27, ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए प्लस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 2 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की पावर 4 प्लस 1 ओवर ए की पावर 4, और तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए क्यूब प्लस 1 ओवर ए क्यूब की वैल्यू। तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक वैल्यू हमें गिवन है, ए प्लस 1 ओवर ए की वैल्यू गिवन है, और ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले ये जी जो गिवन है हमारे पास है वैल्यू, वो ये है, ये वाली वैल्यू ए प्लस 1 ओवर ए इज इक्वल टू 2, ये हमें गिवन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डैट ए प्लस 1 ओवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ए की जगह हमारे पास ए ही है, तो बी की जगह 1 ओवर ए है, ठीक है।
तो इस फार्मूले के तहत हम इस तरह लिख सकते हैं a प्लस 1 ओवर a का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस इस पे b की जगह 1 ओवर a है तो इस पर स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो a पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू a की जगह हमारे पास a ही है, b की जगह 1 ओवर a प्लस 2ab, ठीक है। इसको इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लें तो ये 4 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको इस तरह कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर, ये a इस a के साथ कट जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे इस 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 2, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, में से 2 को माइनस करें तो ये 2 आ जाता है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। ये हमारे पास आ जाएगा जी एक रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर। अब अगेन इसका जो है फिर से स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अगेन इसका ट्रांसपोज ले स्क्वायर ले लेते हैं, इसको टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डैट ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसका अगेन जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 ओवर ए की पावर, स्क्वायर पहले से मौजूद है तो ए की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू ए मीन ए स्क्वायर ओवर बी, बी की जगह हमारे पास 1 ओवर ए है, ए स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद जी ये हो जाएगा यहाँ से a की पावर 4 प्लस 1 ओवर a की पावर 4, ये भी उसी तरह आ जाएगा, प्लस ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर के साथ कट जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएगा, 2 इंटू 1 ये वाला इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज डैट a की पावर 4 प्लस 1 ओवर ए की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4k। दिस इम्प्लाइज डैट ए की पावर 4 प्लस 1 ओवर ए की पावर 4 इज इक्वल टू 4, ये 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा माइनस 2। दिस इम्प्लाइज डैट ए की पावर 4 प्लस 1 ओवर ए की पावर 4 इज इक्वल टू 4, में से 2 को माइनस करेंगे तो ये अगेन हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये ए की पावर 4 प्लस 1 ओवर ए की पावर 4 का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, जो इसका आंसर है। ये दूसरा रिजल्ट भी प्रूव कर लिया है, अब एक रिजल्ट हमारे पास और रहता है जिसको हम प्रूव करेंगे, जिसमें हम फाइंड करेंगे इसका क्यूब, वो तो डायरेक्ट क्यूब लेना पड़ेगा, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ यूँ है, गिवन हमें ये था शुरू में क्वेश्चन में ए प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, तो इसका डायरेक्ट क्यूब लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दिस इम्प्लाइज डैट ए प्लस 1 ओवर ए का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब। दिस इम्प्लाइज डैट, या यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला हमारे पास होता है जी ए प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस थ्री इंटू थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो दिस इम्प्लाइज डेट जीज यहाँ से इस तरह हो जाएगा ए प्लस वन ओवर ए का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन ओवर ए क्यूब, क्योंकि इस पे भी क्यूब वन का क्यूब लेंगे तो वन ही आएगा, तो डिनोमिनेटर का जो ए है उस पे क्यूब आ जाएगा, प्लस थ्री इंटू ए की जगह हमारे पास ए ही है और बी की जगह वन ओवर ए इंटू ए प्लस बी, ए और बी की जगह वन ओवर ए है, ठीक है। तो इसकी हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस साइड पे भी अगर हम इसकी पुट कर दें तो पुट कर सकते हैं यहाँ पे इसको, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इस साइड को, क्योंकि ए क्यूब प्लस वन ओवर ए क्यूब की वैल्यू रिक्वायर्ड है, देखता हूँ मैं ये फाइंड करना है, ए क्यूब प्लस वन ओवर ए क्यूब इसको आइसोलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस वन ओवर ए क्यूब प्लस ये ए इस ए के साथ कट जाएगी क्योंकि नॉमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, ये कट जाएगा प्लस थ्री इंटू ये ए प्लस वन ओवर ए की वैल्यू हमारे पास टू है जो कि ऊपर गिवन है, ये ऊपर गिवन है, ठीक है, टू वैल्यू है इसकी। तो इसको पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी जी ए क्यूब प्लस वन ओवर ए क्यूब प्लस थ्री टू जार, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा सिक्स, और इस साइड पे ए प्लस वन ओवर ए की वैल्यू जो है वो है थ्री नहीं टू, तो इधर भी पुट कर लेता हूँ मैं क्योंकि ए प्लस वन ओवर ए की वैल्यू टू है तो टू का क्यूब ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट टू का क्यूब एट होता है, एट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन ओवर ए क्यूब प्लस सिक्स, तो हमें तो वैल्यू चाहिए ए क्यूब प्लस वन ओवर ए क्यूब की, इसको आइसोलेट करते हैं यहाँ से। दिस इम्प्लाइज डैट एट माइनस सिक्स, ये सिक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन ओवर ए क्यूब। दिस इम्प्लाइज डैट एट में से सिक्स को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा टू इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन ओवर ए क्यूब, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट ए क्यूब प्लस वन ओवर ए क्यूब इज इक्वल टू टू आंसर। तो एक चीज़ नोट कीजिएगा, इन तीनों का जो रिजल्ट आया वो हमारे पास टू आया है, ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर का रिजल्ट भी टू आया है, ए क्यूब प्लस वन ओवर ए क्यूब का भी रिजल्ट भी टू आया है, और ए की पावर फोर प्लस वन ओवर ए की पावर फोर का रिजल्ट भी हमारे पास टू आया है, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज 4.5, इसका लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपके सामने अभी कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो वही रिक्वेस्ट, हमेशा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।